गणेश चतुर्थी के जस्ट पहले होती है हरिद्वाली का तीज, जिसमें हम सब ने देखा है, जैसे कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि शंकर पार्वती का विवाह संपन्न होता है। तो शंकर जी जो त्यागी तपस्वी मूर्त तपस्या कर रहे होते हैं ना, और पार्वती माने जो पर्वत के समान अडिग दृढ़ निश्चय वाली, जिनको ये दृढ़ संकल्प करती हैं, ये साधना करती हैं कि उनको शिव की प्राप्ति हो। तो शिव की आराधना करती हैं, जब शिव को बहुत ही याद करती हैं, साधना करती हैं शिव के लिए, तब शंकर की प्राप्ति होती, माने शिव के द्वारा शंकर की प्राप्ति होती, शंकर जो शिव के समान हो जाते हैं तपस्या करते हो, क्योंकि शंकर जो हैं वो साकार रूप है ना, जैसे पार्वती साकार रूप हैं। तो पार्वती जी ने शिव जी को याद किया, तो शंकर जी भी शिव जी को ही याद कर रहे थे ना। तो जैसे कहते हैं ना कि शिव जी जो हैं वो भोलानाथ हैं, जो भी उनसे मांगोगे वो प्राप्त होता है, तो वो पार्वती जी को उन्होंने वरदान दिया कि तो शिव परमपिता परमात्मा ने पार्वती जी को वरदान दिया, और इस प्रकार पार्वती जी और शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। तो शंकर जी, जैसे कि हम सभी ने देखा है चित्रों में भी, कि वो तपस्या कर रहे हैं और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए वो किसको याद कर रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, माने परमपिता परमात्मा शिव को याद कर रहे हैं। शिव जो निराकार हैं, परम शक्ति हैं, और शंकर जी स्वयं तपस्वी मूर्त हैं, साकार रूप है। तो शंकर जी साधना करते हुए शिव जी को याद कर रहे हैं, और यहाँ पार्वती जी भी शंकर जी को पाने के लिए शिव जी को याद करती है। ये कथा में हमने सबने ही सुना हुआ है ना। तो इस तरीके से विवाह संपन्न होता है। फिर दूसरे दिन ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती, तीज होता है हरिताली का तीज, फिर दूसरे दिन ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश जी की स्थापना की जाती है, पूजा अर्चन किया जाता है, 10 दिन तक उनकी पूजा होती है। तो गणेश जी जो शंकर और पार्वती के पुत्र कहलाते हैं, कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जब शंकर जी तपस्या करने गए हुए थे, तो उस वक्त पार्वती जी स्नान कर रही थी अपने घर में, तो स्नान करते करते उनके शरीर से जो मिट्टी निकली, मतलब उससे उन्होंने एक मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति को गणेश नाम दिया। और गणेश जी जो हैं वो दरवाजे में पैरा देने के लिए बैठे हुए थे, और अंदर पार्वती जी स्नान कर रही हैं, और तभी शंकर जी आते हैं, और गणेश जी उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरे पिता हैं। तो शंकर जी को वो, कथा के अनुसार शंकर जी को वो रोकते हैं, ऐसा हम सभी ने कथा सुनी है। तो शंकर जी को क्रोध आया, और उन्होंने उनका गणेश जी के सिर का वध कर दिया है ना, ये कथा में सुनते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि शंकर जी जो तपस्या करके आ रहे हैं, तो उनको क्रोध क्यों आएगा, वो तो तपस्या करके आ रहे हैं ना, तपस्या करने वाला व्यक्ति तो क्रोध पर जीत पा लेते हैं ना। तो और फिर शंकर जी ने जब उनका सिर का वध किया, तो कथा में आता है कि फिर पार्वती जी जब स्नान करके आई, उन्होंने जब ये देखा तो उनको बहुत क्रोध आया, और फिर उन्होंने फिर से शंकर जी से कहा कि ये मेरे पुत्र का सिर फिर जोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, कथा के अनुसार उन्होंने जो वहाँ से एक हाथी का बच्चा जा रहा था, उसका सिर काट के इनके सिर में लगाया, गणेश जी के सिर में लगाया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गणेश जी का सिर क्यों लगाया, यदि सिर लग सकता था तो फिर मतलब गणेश जी के सिर जो था वही लगाया जा सकता था, हाथी का सिर क्यों काटा। तो ये भी एक कथात्मक है, ये भी एक प्रतीकात्मक है, ये भी एक संकेत है जिसको समझना चाहिए। कथा कहानियों के माध्यम से हमारे जीवन को कितने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, और अब ये समझने का समय है कि आखिर ऐसा क्यों। तो वास्तव में गणेश जी ने शंकर जी को नहीं पहचाना, अपने पिता को नहीं पहचाना, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए उनको जब रोका, तो उस समय उनको
शंकर जी को क्रोध आया। इसका अर्थ ये है कि शंकर जी ने जब गणेश जी को देखा तो गणेश जी का एक बाल रूप दिखाई दिया और वो जैसे कहते हैं ना सिर काटा, तो सिर काटा माने कि उसमें एक अहंकार दिखा, वो पहचान नहीं पाए ना, अपने पिता को ही नहीं पहचान पाए। जिस प्रकार इस समय कलयुग में हम सभी परम शक्ति परम पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं फिर भी हम उनको नहीं जानते ना, तो इसी तरीके से वो अपने पिता को नहीं पहचान पाए, तो ये हो गया न जानने का अहंकार, है ना। तो उनको उन्होंने उसका उनका सिर काटा माने फिर हाथी का सिर लगाना माने फिर विवेक बुद्धि वाला सिर लगा दिया। तो माने कि जब उनको परिचय दिया स्वयं शंकर जी ने कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो जब ये ज्ञान उनको मिल गया तो फिर उनका विवेक जागृत हुआ। तो बड़ा सिर विवेक का प्रतीक है, बड़ी बुद्धि का प्रतीक है। पार्वती जी जो देवी हैं वो उनके शरीर से इतना मैल क्यों निकलेगा कि वो उससे एक मूर्ति बना दें और उसमें प्राण फूंक दें और उसको बच्चे का रूप दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तव में देह उन्होंने भी साधना की और देह अभिमान माने इस देह के अपमान और अभिमान को त्याग दिया, वही गुण था उसको उन्होंने धारण किया हुआ था, इसलिए वो पूजनीय थी। तो ये सब प्रतीकात्मक है। फिर इस तरीके से गणेश जो हैं वो गुणों का भंडार, गणेश माने गुणों के देवता। तो जो विशेषताएं जो गुण हैं वो गणेश जी में हैं, जैसे उनका सिर इतना बड़ा दिखाया है तो माने कि बड़ी बुद्धि का प्रतीक है। फिर कान बड़े बड़े दिखाए माने कि सूप की तरह जो कान बड़े बड़े दिखाए हैं माने कोई भी बात को व्यर्थ रोक के और समर्थ चीज़ों का अंदर प्रवेश होने देना, जैसे सूप कचड़े को हटा देता है और अच्छी चीज़ को रोक लेता है ना, उसी तरीके से ऐसे ही आँख छोटी छोटी दिखाई है। तो आँख छोटी छोटी क्यों, जैसे सूक्ष्मदर्शिता दूर की दृष्टि, तो वो दिखाया गणेश जी में कि छोटी छोटी आँख, सिर बड़ा लेकिन आँख छोटी छोटी दिखाई। फिर सूंड दिखाया, तो जैसे कहते हैं कि सूंड जो है वो एक सुई को भी उठा सकते हैं ना, तो बड़े से बड़े पेड़ को भी तोड़ सकते, इतनी शक्तिशाली होता है सूंड ना। तो ये उनकी मतलब दृढ़ता का, उनकी निश्चय शक्ति का प्रतीक है। फिर दिखाते हैं लंबोदर, कहते हैं ना कि बड़ा पेट, तो कोई भी बात को समा लेने की क्षमता उनके अंदर होती है। जैसे एक जो गुणवान व्यक्ति होगा वो बातों को समाने की क्षमता रखता है। और गणेश जी के हाथ में चार चीज़ें दिखाते हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में कुल्हाड़ी, वो दिखाते हैं ना। तो ये चारों जो चीज़ें चारों हाथों में दिखाई गई हैं ये भी प्रतीकात्मक है। शंख माने ज्ञान का प्रतीक है, तो जब मस्तक जो इतना बड़ा दिखाया है बुद्धि का प्रतीक है, बेहद की बुद्धि है उनमें, तो वो उनके अंदर ज्ञान भी भरपूर है। तो ज्ञान का शंखनाद करना है ना, ज्ञान सुनाना माने जो आत्मा की विवेक जागृत हो जाता है, बुद्धि बेहद की हो जाती, तो वो ज्ञान स्वरूप होती है, तो उसका प्रतीक है वो शंख। इसी तरीके से रस्सी दिखाते हैं माने रस्सी माने कि जो हम आत्माएं जो होती हैं, जो विवेकशील आत्मा होगी वो कर्म बंधनों को काटती जाती है। सामान्यतः आत्माएं बंधनों में बंधी होती हैं, लेकिन जो विवेकशील आत्मा होगी गुणों से संपन्न होगी वो धीरे धीरे बंधनों को काटती जाती है, उसका प्रतीक है। और इसी तरीके से दिखाते हैं हाथ में कमल पुष्प माने कि कमल पुष्प तरीके का जीवन जीते हैं, संसार में रहते हुए संसार से उपराम माने परमात्मा की याद में रहने रहती हैं, जो गुणों से संपन्न बेहद की बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं, गणेश के समान जो होती हैं। और इसी तरीके से दिखाया है हाथ में कुल्हाड़ी माने कि यही जो बंधन है उन बंधनों को या माया रूपी जो बंधन है जो आत्मोन्नति के लिए रोड़ा बनते हैं, विकास करने में रोड़ा बनते हैं, तो उनको काटने के लिए, उनको रोकने के लिए, उन बाधाओं को रोकने के लिए उस प्रतीक है वो कुल्हाड़ी। तो इस तरीके से ये सब प्रतीकात्मक ही हैं, लेकिन हम
गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में इस अर्थ को समझें कि गणेश जी को जैसे दुर्वा चढ़ाते हैं, तो जो गुणवान व्यक्ति होगा वो भेद नहीं करता है, वो छोटे बड़े अमीर गरीब में भेद नहीं करता है। तो दुर्वा जो सबसे सबसे नाजुक पौधा होता है ना, उसके बाद भी उसको गणेश जी ने के सूंड में रखा जाता है, माने गणेश जी ने उसको स्वीकारा, ये तो प्रतीकात्मक है। वास्तव में दीन से दीन व्यक्ति को भी गुणवान व्यक्ति सम्मान देता है, ये प्रतीक है। जैसे चूहा दिखाते हैं सवारी, तो इतना भारी भरकम शरीर और वो चूहे में कैसे सवारी करेंगे, लेकिन ये यादगार है, ये पहचान है कि जो गुणों से संपन्न आत्मा है, जो विवेकशील आत्मा है, जो बेहद की बुद्धि रखने वाला है, जो कर्म बंधनों को काट चुका है, वो इस जो चूहा रूपी जो माया है, जैसे चूहा होता है ना कि इस ऐसे तरीके से काटता है कि उस जब वो काट रहा होता है तो पता नहीं पड़ता है, बाद में उसका आभास होता है। इसी तरीके से हमारा मन जब माया जाल में फंसा होता है तो पहचान नहीं पाता है इस जो घटना हो रही होती है उसको, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि ये माया जाल था। तो इसी तरीके से चूहा प्रतीक है माया जाल का, तो उसको भी काबू में कर लिया गुणवान गुणों के देवता स्वयं गणेश जी, तो ये प्रतीक है। तो इस गणेश जी की दो पत्नियां दिखाते हैं ना, रिद्धि और सिद्धि। कथा में आता है कि गणेश जी की दो पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। तो वास्तव में रिद्धि और सिद्धि क्या, रिद्धि माने कि प्रॉस्पेरिटी और सिद्धि माने सक्सेस। तो जब आत्मा विवेकशील होती है, गणपति की तरह गुणवान होती है, तो उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी रहती है और सक्सेस भी रहते हैं। तो गणपति जी की हर बात से हमें कुछ शिक्षा मिलती है, और जैसे कि सभी बहुत प्यार से गणपति जी की पूजा करते हैं, प्रथम पूज्य कहा जाता है ना, कोई भी शुभ काम होता है तो गणपति जी की ही पूजा पहले की जाती है, विघ्न विनाशक कहा जाता है। तो गणपति जी से हम सीख कर, उनसे शिक्षा पाकर हम अपने जीवन को भी गुणों से भरपूर कर सकते हैं। ओम शांति।